नमस्कार। कोरोना का अंत योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। वशिष्ठ योग आश्रम से मैं हूं योग गुरु धीरज। कोरोना काल में योग एक सशक्त माध्यम है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। स्वयं की सुरक्षा आपके हाथों है अगर आप प्राचीन सनातन योग अभियान में जुड़ जाएं और पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और कोरोना अगर स्पर्श भी कर जाए आपको तो आपका बाल भी हो नहीं पाए बांका। तो आज पूरे इस दरमियान हम करेंगे निर्देशन में प्राणायाम। निर्देशन में प्राणायाम का खास लाभ यह है कि प्राणायाम करने के साथ साथ आपका फोकस बना रहता है, क्योंकि आपको पीछे से निर्देश मिलते रहते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है और ज्यादा आप प्राणायाम के लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। तो बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ आप बैठ जाएं सुखासन में। बुजुर्ग लोग हैं तो वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। बस स्पाइन को हमें रखना है सीधे। अब यहां से हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी जो है वो आपको ज्यादा जागृत करता है, मरम्मत को, पीस को, आनंद को। तो यही जरूरत है, क्योंकि तनाव आपकी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता को कमजोर करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम में बाएं नासिका से सांस लेंगे और दाहिने से बार बार छोड़ते जाएंगे, फिर से बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। लेना चार है काउंटिंग तो छोड़ना छह काउंटिंग है, नहीं छोड़ना थोड़ा ज्यादा। इस पे फोकस करेंगे। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा रख दें घुटने के ऊपर और दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके राइट थंब से आप कंट्रोल बंद करेंगे। राइट दाहिना नासिका और बाएं बाकी उंगलियों से बाएं नासिका बंद करेंगे। आपका एल्बो रिलैक्स में इस तरह से हो, ना कि ऊपर। अब आंखें बंद कर लें, बाएं से धीमी धीमी सांस लेंगे, सांस पे फोकस स्टार्ट। चंद्रभेदी निर्देशन में बाएं नासिका से सांस लें। 1 2 3 4 रोकें। दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 फिर से बाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2 3 4 नासिका बंद। दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 फिर बाईं नासिका से सांस लें। 1 2 3 4 नासिका बंद। दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 फिर बाईं नासिका से सांस लें। 1 2 3 4 नासिका बंद। दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 बाएं से लें। 1 2 3 4 नासिका बंद। दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 बाएं से लें। 1 2 3 4 दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे अब हाथों को नीचे ले आए और शांति से आंखें बंद करके रहें। ख्याल रहे कि कहीं आपको लगे कि सांस लेने में काउंटिंग के साथ दिक्कत हो रही है
तो आप अपने हिसाब से सांसों को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 3 काउंटिंग ले, 5 काउंटिंग छोड़ें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह का है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी में आपको दाहिने से नासिका से सांस लेनी है और बाएं से हर बार छोड़नी है। तो बिना देरी के हम सूर्य भेदी की तरफ बढ़ें। उसी तरह से ज्ञान मुद्रा और विष्णु मुद्रा, और इस बार हमने बायां नासिका को बंद किया और दाहिने से धीरे धीरे सांस शुरुआत करेंगे। दाहिने से सांस लें, 1, 2, 3, 4, होल्ड। बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर दाएं से लें, 1, 2, 3, 4, होल्ड। बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दाहिने से लें, 1, 2, 3, 4, बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दाएं से लें, 1, 2, 3, 4, बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनहेल करें, 1, 2, 3, 4, बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये सूर्यभेदी का 5 राउंड हुआ करीब करीब। आप जितना ज़्यादा ये स्लो डीप ब्रीदिंग जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा आपका कल्याण है। कोई दिक्कत नहीं है, भोजन से पहले, भोजन से बाद ये सब प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी स्लो डीप ब्रीदिंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा रहेगा कि भोजन की बात करेंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, मन की शांति रहेगी तो पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि यही चंद्र नाड़ी का पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, कि जितना आप रिलैक्स होंगे उतना डाइजेशन एक्टिव होगा। तो जिनको भी पेट आंत का रोग है उनके लिए भोजन के बाद भी ये प्राणायाम काफ़ी कारगर है। कोरोना काल में तो प्राण को आयाम विस्तार देते रहिए, प्राण ही कुंजी है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में हैं, क्योंकि इस सिलेंडर में ऑक्सीजन पहले से नहीं भरा गया, इसलिए बाहर के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए आप प्राणवायु को अपने जीवन में समाहित करते रहें, और इस चंद्रभेदी सूर्यभेदी का मिक्स रूप है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आजकल हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी के बीच में संतुलन ला करके आपके जीवन में एक सुंदर संतुलन को स्थापित करता है। इसमें बायां से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही लेके बाएं से छोड़ेंगे, और एक चक्र का ये पूर्ण हुआ। और इस तरह के कई चक्र कर सकते हैं आप, लगातार अभ्यास में कर सकते हैं। यहाँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कम वक्त ज़्यादा लाभ, बीच बीच में इस कार्यक्रम को करते रहिए अभ्यास में, हर इंटरवल पे बीच बीच में 15-15 मिनट का अभ्यास आपका बेड़ा पार। तो स्टार्ट करेंगे बाएं से, बाई नासिका से सांस लें धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, होल्ड करें, दाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दाहिने से सांस लें, 1, 2, 3, 4, होल्ड, बाएं से छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
बाएं से लें, 1 2 3 4 होल्ड, दाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 दाहिने से लें, 1 2 3 4 होल्ड, बाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 बाएं से लें, 1 2 3 4 होल्ड, दाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 दाहिने से लें, 1 2 3 4 होल्ड, बाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 बाएं से लें, 1 2 3 4 दाहिने से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 लें, 1 2 3 4 होल्ड, बाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 बाएं से लें, 1 2 3 4 होल्ड, दाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 दाहिने से लें, 1 2 3 4 होल्ड, बाएं से छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 हाथ को धीरे से नीचे रख दें और आंखों को तुरंत ना खोलें। प्राणायाम के बाद इस परम शांति को महसूस करते रहें और यहीं से आप ध्यान के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान घटित होने लगेगा, प्राणों को जैसे जैसे आप पकड़ेंगे वैसे सब घटित होगा। शास्त्र कथा, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चरार्थे, यानी जैसे सांस तेज होगी आपका मन भागेगा। जैसे सांस को हम कंट्रोल करेंगे, निश्चल करेंगे, शांत करेंगे, वैसे हमारा चित्त मन स्थिति शांत हो जाएगा। और शांति में सब कुछ है, ठहराव में सब प्राप्ति है। लेकिन हम दौड़ा रहे, हम सांस को भी अनुलोम विलोम को जोर जोर से खींच खींच के कर रहे हैं, नहीं उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे सांस इससे ज्यादा नहीं आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं भरेगा। जितनी सहजता हो वही संपूर्णता में प्रकट होगा। इस बात को ऋषि मुनियों की ध्यान से समझ लेना है। और आखिर में जाते जाते वशिष्ठ प्राणायाम जो कोरोना काल में है संजीवनी, बस 5 अंतराल में, यानी 5 बार सांस को लेना है, पेट को भरना है, फुलाना है गुब्बारे की तरह, सांस छोड़ के पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहीं से शवासन में देखें, स्टार्ट करें निर्देशन। धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, सांस लें, पेट को फुलाते जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे, जितना आपकी सहजता में हो उतना अंदर जाने दें। फिर सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस भरें, पेट फुलाएं।
धीरे धीरे सांस बाहर, पेट अंदर जाने दें, फिर धीरे धीरे सांस भरें, पेट को फुलाएं, पेट को फूलने दें, सांस बाहर, पेट अंदर, धीरे धीरे सांस लें, पेट अंदर फुलाएं, फिर सांस छोड़ें, पेट अंदर, धीरे धीरे सांस लें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट अंदर, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, इनहेल, सांस अंदर लें, पेट फुलाएं, एक्सहेल, सांस बाहर, पेट अंदर, इनहेल, सांस अंदर, पेट फुलाएं, सांस बाहर। तो इस तरह से हर बार सांस को आप लेते रहिए और पेट भरिए, ताकि डायफ्राम, सांस के लेते हुए पेट भरने से क्या होगा, डायफ्राम नीचे आएगा, और डायफ्राम का ही काम है कि सांसों को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ ले जाना। इसीलिए पेट फुलाने का ये विधि है वशिष्ठ प्राणायाम में, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ पाएगी, आपकी आपकी कार्य क्षमता लंग्स की डेवलप्ड हो पाएगी। इसीलिए नित्य करते रहिए साधना, कोरोना का अंत यही है इसका योग मंत्र। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।